गर्मियों में संजीवनी बटी है ये चीज, अमृत के समान काम करती है, आपके शरीर को अंदर से ठंडक पहुंचाती है। दूध में मिलाकर इसका इस्तेमाल करने से आपकी जवानी हमेशा बनी रहती है। इसकी तासीर इतनी ज्यादा ठंडी है कि आपके शरीर को बिल्कुल बर्फ बना देती है और साथ में आपके शरीर को बलवान बनाती है, फौलादी बनाती है। इसके फायदे इतने ज्यादा हैं कि आप गिन नहीं पाओगे और यह सेहत के साथ साथ स्किन का भी लाजवाब इलाज है। स्त्री पुरुषों की शारीरिक कमजोरी को दूर करता है। महिलाओं और पुरुषों के रोगों में यह काफी ज्यादा फायदेमंद है। आपको यूरिन इन्फेक्शन है, मुंह में छालों की समस्या है, बालों और हड्डियों की समस्या है, आपकी आंखों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है और वेट लॉस करने में भी ये काफी ज्यादा मददगार है। आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है आज इस वीडियो में आप बहुत कुछ नया सीख कर जाएंगे। तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और इसके संबंध में आपने बहुत सी वीडियो और भी देखी होंगी, लेकिन यह वीडियो उन वीडियो से थोड़ा अलग है। इसमें आप जानेंगे सही तरीका क्या है इसके खाने का और साथ में इसको आपको कब लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए। यदि आप ये सब जान जाएंगे तो इससे और ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आयुर्वेद में बहुत सी जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया है कि जो कि आपको पल भर में एकदम चंगा कर देती हैं। आज हम ऐसी एक औषधि के बारे में बात करने वाले हैं जिसको हम गोंद कतीरा के नाम से जानते हैं और गोंद कतीरा को अंग्रेजी में ट्रेगाकैंथ गम के नाम से भी जानते हैं। और गोंद कतीरा सफेद पीले रंग का बेहद गुणकारी एक खाद्य पदार्थ होता है और यह कतीरा पेड़ जो कि एक लोकोविड होता है, इसको स्ट्रेगलस गैमियर के नाम से हम जानते हैं। यह इस पेड़ से निकलने वाला एक गोंद होता है जो कि सूखने के बाद इसको गोंद कतीरा के नाम से जानते हैं और यह एक कांटेदार पेड़ होता है जो कि उत्तर भारत के पथरीले क्षेत्रों में काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसकी छाल को काटने से, इसकी टहनियों के काटने से एक तरल पदार्थ निकलता है और इसी पेड़ से निकलने वाले गोंद को गोंद कतीरा के नाम से जानते हैं। और गोंद कतीरा तासीर में इतनी ज्यादा ठंडी होती है कि इसी वजह से इसको हम गर्मियों में लू से बचने के लिए, स्ट्रोक से बचने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में ये खाया जाता है। यदि हम गोंद कतीरा के पोषक तत्वों के बारे में बात करें तो इसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, प्रोटीन है, फाइबर है, फॉलिक एसिड है, एंटीऑक्सीडेंट है और बी ग्रुप के जो विटामिन है वो भरपूर मात्रा में होते हैं। इसी वजह से इसको खाया भी जाता है और लगाया भी जाता है। यदि हम बात करें कि यह जो किन किन रोगों में काम आता है, यह बहुत से रोगों में काम आता है। गोंद कतीरा हमारे शरीर के खून को गाढ़ा करने का काम आता है, खून बढ़ाने के काम आता है, हृदय रोगियों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, यह हमारे टॉन्सिल्स की समस्या को दूर करता है, यह हमारे शरीर को बलवान और फौलादी बनाता है, शरीर से निकलने वाले किसी भी तरह के खून को रोकने में काफी ज्यादा मददगार होता है, पेशाब की जलन की समस्या है, मासिक स्राव का कम या ज्यादा आना है, हाथ पैरों में जलन आपको होती है, सिर में जलन की समस्या है, सिर में दर्द की समस्या है, बहुत ज्यादा खुश्की रहती है, अधिक प्यास लगती है, अधिक पसीना आता है, तो इन सभी रोगों में जो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। यदि हम बात करें गोंद कतीरे का सबसे ज्यादा फायदा किसमें होता है तो यह गर्मी में राहत देने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसे खाने से आपको लू और स्ट्रोक से काफी हद तक बचाव होता है, आपके शरीर की गर्मी को यह दूर करता है और इसके गर्मी की वजह से होने वाला जो सिर दर्द होता है उसमें यह काफी ज्यादा राहत देता है। और गर्मी, लू और स्ट्रोक से बचाव के लिए आप इसे शरबत के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप घर से बाहर जा रहे हैं और पानी पी रहे हैं तो आप पानी के साथ इसे मिलाकर इस्तेमाल करिएगा, इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। यह आपकी बॉडी को कूल डाउन करेगा, आपके हाथ पैरों में अगर जलन की समस्या है उसको दूर करेगा और आपके शरीर की एनर्जी को बढ़ाता है, आपके शरीर की जो गर्मी है उसको बाहर निकालता है, शरीर के किसी भी हिस्से में, किसी भी कोने में अगर गर्मी है उस गर्मी
गर्मी को बाहर निकालता है, पेट की गर्मी को बाहर निकालता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी, गैस, बदहजमी की शिकायत नहीं रहती है। और जिन लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आता है, वो नियमित रूप से इसका सेवन करने से इस समस्या का काफी हद तक निजात मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम बात करें, यह किसी भी तरह की शारीरिक कमजोरी को दूर करता है। आपके शरीर में हर तरह की कमजोरी है, किसी भी तरह की कमजोरी है, उसको ये पल भर में दूर कर देता है। इसे आप दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपको थकान की समस्या है, कमजोरी है, चक्कर आना है, आपको सिर में दर्द की समस्या है, माइग्रेन की समस्या है, उसमें काफी जल्दी आपको राहत देता है। और महिलाओं में डिलीवरी के बाद जो कमजोरी होनी शुरू हो जाती है, उस कमजोरी को यह दूर करता है। और जो स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं होती हैं, उसमें यह दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, साथ में उनकी कमजोरी को भी दूर करता है। यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और आपने एलोपैथिक दवाइयां बंद कर दी है और उसकी वजह से आपको कमजोरी आ गई है, तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए भी आप गोंद कतीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यह पुरुषों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। पुरुषों में होने वाली जो सेक्सुअल समस्या होती है, सेक्सुअल कमजोरी होती है, उसको ये दूर करता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या को सही करता है। प्री मैच और इजाकुलेशन की समस्या में काफी ज्यादा फायदेमंद है। और हर तरह की पुरुषों की कमजोरी को दूर करने में ये काफी ज्यादा अच्छा काम करता है। स्वपन दोष की समस्या को दूर करता है। आपकी खोई हुई मर्दाना ताकत है, उसको वापस लाता है। खोई हुई कामेच्छा को बढ़ाना शुरू कर देता है। और अनैच्छिक डिस्चार्ज की समस्या, नए डिस्चार्ज की समस्या को रोकने में काफी ज्यादा मददगार होता है। इसके लिए आप दूध के साथ मिश्री बनाकर इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। गोंद कतीरा महिलाओं में काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। महिलाओं में इरेगुलर पीरियड की वजह से या फिर फॉलिक एसिड की वजह से खून की कमी अगर हो जाती है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। पीरियड की गड़बड़ी को सही करता है। ल्यूकोरिया जैसी समस्याओं में काफी ज्यादा फायदेमंद है। यह हमारे शरीर के हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है। और यदि कोई महिला अपने ब्रेस्ट के साइज से संतुष्ट नहीं है, तो वो इसका रेगुलरली इस्तेमाल करिएगा। इसको रोजाना खाने से स्तनों के साइज में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, यह यूरिन इन्फेक्शन को रोकने में काफी ज्यादा मददगार होता है। आपको यूटीआई की समस्या में बहुत अच्छा काम करता है। पेशाब में जलन हो रही है, बार बार यूरिन आने की समस्या है, और साथ में ब्लैडर की गर्मी को दूर करने में गोंद कतीरा काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। और नेक्स्ट है मुंह में छालों की समस्या। अगर आपको मुंह में छाले हो गए, तो गोंद कतीरा दादी माँ का सबसे अच्छा घरेलू नुस्खा है। यह ठंडक देने वाले गुण की वजह से आपके छालों में जो सूजन है, दर्द में काफी ज्यादा राहत देता है। इसके लिए आपको गोंद कतीरे के जो पेस्ट है, उसको कुछ देर के लिए अपने छालों पर लगाइएगा, और थोड़ी देर रखने पर ही आपको दर्द और सूजन में काफी ज्यादा आराम मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, यह कि वजन को कम करने में काफी ज्यादा मददगार है। वजन घटाने में यह बहुत अच्छा माना जाता है, और यह हमारी मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। इसमें फाइबर की जो कंटेंट है, वो काफी ज्यादा होता है और लो कैलोरी होता है। और हाई फाइबर की वजह से आप लंबे समय तक फुल अप महसूस करते हैं। बार बार आपकी जो खाने की इच्छा है, वो नहीं हो पाती है, उस आदत को आप छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपको भूख कम लगती है, आपका वेट लॉस होता है और बॉडी का फैट भी कम होता है। और बालों की समस्याओं के लिए आप गोंद कतीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल हर कोई बालों की समस्या से परेशान है, जिससे कि बालों की झड़ने की समस्या है, समय से पहले सफेद होने की समस्या है, बालों में रूसी होने की समस्या है। तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप गोंद कतीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे शरबत में मिलाकर इसका इस्तेमाल करें, और इसके अलावा आप इसका पेस्ट बनाकर भी आप अपनी बालों की जड़ों में इसे लगा सकते हैं, और इससे आपके सूखे बेजान बालों में काफी हद तक चमक आती है। और आपको हड्डियां या जोड़ों में दर्द की समस्या है, तो उसके लिए गोंद कतीरे में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, जो कि आपकी कमजोर हड्डियों के लिए, जोड़ों में दर्द की समस्या के लिए, कमर में दर्द की समस्या के लिए, घुटनों में दर्द की समस्या के लिए, या फिर आपके खून में कैल्शियम की कमी हो गई है, तो आप इसमें गोंद कतीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से आपकी हड्डियां हैं और जोड़ आपके मजबूत होते हैं, जॉइंट की जो ग्रीस है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, और आपके खून में कैल्शियम की कमी नहीं होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, ये हमारी आंखों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। यदि आप बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं, मोबाइल पे काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, या फिर बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की वजह से आपकी आंखों में थकान महसूस होने लगी है, आंखों में आपको दर्द की समस्या होने लगी है, तो इसके
इसके लिए आप गौंद कतीरा के जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसको प्रयोग कैसे करना है, आपको जेल को लेना है और अपनी आंखों को बंद करके आंखों के ऊपर आपको लगभग 30 मिनट के लिए इसे रख लेना है। इसको रखने पर आपकी आंखों पर कूलिंग इफेक्ट आएगा, आपकी आंखों की जो थकान है वो दर्द है बिल्कुल दूर हो जाएगी और जब आप आंख खोलेंगे तो आपको चारों तरफ उजाला उजाला ही महसूस होगा और आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ी हुई आपको महसूस होगी। और गौंद कतीरा के अन्य बहुत से फायदे होते हैं, ये आपके शरीर की और पेट की गर्मी को दूर करता है, आपको हाइड्रेट बना के रखता है, आपको पाइल्स है, फिसर है या फिर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है या पेट संबंधी अन्य समस्या है उनसे काफी हद तक बचाव करके रखता है। इसके अंदर एंटी कैंसरस गुण होता है जिसकी वजह से आपको कैंसर से काफी हद तक बचाव करता है। यह स्किन की हेल्थ इससे काफी ज्यादा अच्छी रहती है। यह हमारे शरीर में पानी बना के रखता है अर्थात हमारी बॉडी को हाइड्रेट बना के रखता है और चेहरे की जो फाइन लाइंस हैं रिंकल से काफी हद तक बचाव करता है। आपको ब्लड प्रेशर की समस्या को सही रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखता है, आपकी हार्ट की हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है, नसों में इन्फ्लेमेशन की समस्या को दूर करता है, आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकलने का काम करता है और गट हेल्थ को ये बहुत अच्छा रखता है। और गौंद कतीरा के संबंध में पहले भी वीडियो बना चुका हूं, गौंद कतीरा पाचन के लिए कैसे काम करता है, आपको गर्मियों में इसका कैसे इस्तेमाल करना है, त्वचा के लिए कैसे फायदेमंद है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, नोज ब्लीडिंग को रोकने के लिए गौंद कतीरे का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, गौंद कतीरा खाने के क्या क्या नुकसान होते हैं और किन व्यक्तियों को गौंद कतीरा नहीं खाना चाहिए, इसके संबंध में पहले वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो को आप एंड स्क्रीन पर देख सकते हैं और उस वीडियो को जरूर से देखने का, वो वीडियो भी काफी ज्यादा फायदेमंद वीडियो है। अब हम बात करें कि गौंद कतीरा खाने का सही समय क्या है और सही मात्रा क्या है, हमें इसे कब खाना चाहिए। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक चम्मच गौंद कतीरा लेना है या फिर आप लगभग 6 से 8 टुकड़े भी ले सकते हैं और रात को सोते समय आपको एक मिट्टी या कांच के बर्तन में उनको भिगो देना है और रात को यदि आप इसको ना भिगो पाए तो खाने से इसको लगभग 4 से 5 घंटे पहले आप इसको भिगो सकते हैं। सुबह उठकर आप देखेंगे कि यह फूलकर जेली जैसा बहुत ही ज्यादा मुलायम हो जाएगा। अब इसको आपको इस्तेमाल कैसे करना है, बेसिकली गर्मी लू से बचाव करने के लिए आपको 1 गिलास पानी लेना है और उसमें इसको अच्छे तरह से घोल लेना है और आप इसमें मिश्री मिलाकर भी प्रयोग कर सकते हैं और थोड़ी सी आपकी पुदीने की पत्ती भी आप मिला लेंगे तो ये गर्मी से बचाव करने में काफी ज्यादा राहत देगा। इसे आप सुबह सुबह खाली पेट ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। यदि आपके शरीर में कमजोरी है, कैल्शियम की कमी है, मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए तो आप पानी की जगह दूध का इस्तेमाल करें और इसमें शहद या मिश्री मिलाकर खाएं तो ये आपको काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसे भी आप खाली पेट ही आपको इस्तेमाल करना है। और गौंद कतीरा के संबंध में आपको एक बात और जाननी चाहिए, इसको आपको डायरेक्ट ऐसे ही नहीं खाना है क्योंकि यह चिपचिपा पदार्थ होता है तो यह आपके गले में चिपक जाता है। इसको आपको जब भी इस्तेमाल करें किसी ना किसी हेल्दी ड्रिंक में डालकर ही आपको इसको इस्तेमाल करना है। तो यदि आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो ये काफी ज्यादा आपको फायदा करेगा। यदि हम बात करें कि गौंद कतीरा के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं और क्या क्या सावधानियां होती हैं, ये भी आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है यदि आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली गौंद कतीरा जो होता है हमारे शरीर को हाइड्रेट रखने का काम करता है और इसे किसी भी तरह का साइड इफेक्ट जनरली नहीं देखा जाता है, लेकिन जिन लोगों को क्विलिया की छाल मतलब सॉप वर्क से कोई एलर्जी होती है उन लोगों को यदि इस्तेमाल करते हैं तो उनको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। साथ में यदि कोई गर्भवती महिला है, स्तनपान कराने वाली जो महिला है, उनको अपने डॉक्टर की सलाह से ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप साथ में कोई एलोपैथी दवा खा रहे हैं तो एलोपैथी दवा के कम से कम 1 घंटे पहले आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह से जो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो चुकी है और मुझे उम्मीद है आज इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। यदि आपने नया सीखा है तो प्लीज वीडियो को 1 लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि लू और गर्मी से बचाव के लिए
कौन से चीज का इस्तेमाल कब और कितनी मात्रा में करें, तो आपको ये ऊपर वाली वीडियो देखनी चाहिए। और लू लगने पर केवल पानी ही क्यों नहीं पीना है, तो इसके लिए आपको नीचे वाली वीडियो देखनी चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।